वहाँ के भी ब्लॉक में, वहाँ के भी सब डिवीजन में, वहाँ के भी जिला हेडक्वार्टर में, कमिश्नरी में इस बात का लोग चर्चा कर रहे हैं कि जामिया की लड़कियों ने जो किया उनसे हौसला मिला और आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई खिता नहीं बचा है जहाँ पर ये सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। इस जज्बे को हम सलाम करने सीमांचल से आपके बीच आए। ये तारीख जब लिखाएगी तो आप लोग ने जो किया है ये सुनहरे अक्षर में लिखाएगा। और हम लोग पहले देखते थे कि फिलिस्तीन में हमारी बहनें, हमारी माएँ जो जद्दोजहद करती थी कश्मीर में करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज अलीगढ़ हो, जामिया हो, हमारी बहनें ने दिखला दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। ये रंगा बिल्ला जो दो रंगा बिल्ला चाहता है कि हिंदुस्तान में जो मन चाहे वो कर लेगा, इंशाअल्लाह ताला वो होने वाला नहीं है। उनको पता नहीं है रंगा बिल्ला को कि हमारी औरतें, हमारी माँ बहन, हमारे जो हम लोग उससे सीखे हैं कि जब बीबी हाजरा अल इस्लाम पैर रगड़ी थी तो आबे जमजम का चश्मा फूट गया था। हम लोग उसको मानने वाले हैं और हम लोग उससे सीखते हैं। हम न डरते हैं न झुकेंगे। अगर झुकेंगे तो सिर्फ अपने अल्लाह के आगे झुकेंगे और डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह के बल से डरते हैं। दुनिया की किसी की औकात नहीं हमें डराने की। आप लोग जो कर रही है जरूर ये हारेगा। ये प्रोटेस्ट ही, ये जो नॉन वायलेंस तरीका है यही तरीका से ये हारेगा। आज सरकार को कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट में है कि नहीं वो कह ले कि मैं एक इंच पीछे हटने वाला नहीं, हम एक मिलीमीटर तुम्हें जगह नहीं देंगे। ये हमारा अहद है, हम नहीं हटने वाले। या शाहीनबाग हो, कल मालेगांव में भी देखा हमारी जो माँ बहन जिस तरीके से रोड पर आई, या कडापा में, हैदराबाद में, सीमांचल, बलरामपुर, बारसोई में, हिंदुस्तान का ऐसा कोई खिता नहीं है जो आपको सलाम नहीं कर रहा है। और आप तो इस बात का सिर्फ इसीलिए आपके पास आए कि आपने दिखा दिया ये इससे डरना भी नहीं है ना हम झुकेंगे। ये आप कर लिए, उम्मीद है ये जो सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख को ये जो इस पर सुनवाई होगी, 62 पेटिशनर हैं, हम उनको भी सलाम करते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ने के लिए वो पहल किया और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे सिर्फ यही कहेंगे जितनी ताकत से आप कर रहे हैं ये जो फोरम और आप लोग कर रहे हैं इससे सबको मजबूती मिलती है। सिर्फ ये बात नहीं कि सिर्फ ये जामिया में हो रहा है, सिर्फ ये इस ओखला इलाके में हो रहा है, चाहे कटिहार हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी खिस्सा हो, केरला हो, सबसे पिछड़ा कन्याकुमारी हो, वहां भी आप लोग को सलाम किया जा रहा है। हम आपके साथ हैं, हम कोशिश करेंगे जितने आपके साथ, जो नौजवान हमारे साथ हैं, जो लोग हमारे साथ हैं, ये आज मिस कॉल चला रहे हैं, ये मिस कॉल करके हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है और 52-53 लाख लोग ने मिस कॉल किया और होम मिनिस्टर प्रचार करता है टीवी में आके कि इतने लोगों ने किया। अरे होम मिनिस्टर साहब, 135 करोड़ का देश है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, आसाम से लेके गुजरात है हिंदुस्तान। सिर्फ गुजरात हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान है। हमने लिखा है सरफरोशी की तमन्ना, हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा दिया, हमने तिरंगा में चक्कर दिया, आपके बाप दादा ने नहीं दिया। आरएसएस हेडक्वार्टर में लगभग 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, लेकिन हमारे मदरसा में, हमारे घरों में, हमारे इलाकों में झंडा फहराया गया। दारुल देवबंद की कुर्बानी है उसको कोई नहीं भूल सकता। नदवा की कुर्बानी हो या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की कुर्बानी हो या एक भी इंस्टीट्यूशन हमारे बाप दादा ने बनाया था, हमने कुर्बानी दी है। और जो लाल किला पर वो जो पगड़ी बांधकर जाते हैं झंडा फहराने, वो भी हमारे बाप दादा की देन है। आप जरूर बिरला को भेज दीजिए, लेकिन उस ईंट में हमारा खून है, हमारा पसीना है। आप लोग से सिर्फ यही मुअज्जमाना गुजारिश कर दुआ कीजिए और हिंदुस्तान के अदलिया पे हमें भरोसा है, जो जज बैठेंगे उनसे उम्मीद है कि हमारे जज्बात को समझे, क्योंकि जो पार्लियामेंट में नहीं हो सकता, पार्लियामेंट में जिसको चुना जाता है हम चुनते हैं। अगर पार्लियामेंट में जो चीज नहीं गलत हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनेगा तो हम सड़क पर एहतजाज करेंगे जो महात्मा गांधी ने किया था, हम उस तरह करेंगे। हम इस बात का हमने देखा कि पार्लियामेंट में हम, क्योंकि पार्लियामेंट में किस तरह से बिल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पढ़ा, हम उस जज्बे को भी सलाम करते हैं। और हर जगह हो रहा है, पूर्णिया में आप देखिए जो प्रोटेस्ट हुआ था लगभग 5 लाख लोग आए थे, उसके बाद किशनगंज में भी लगभग 2-3 लाख लोग आए थे। हर लोग आपके साथ है, हर आवाम, हिंदुस्तान की आवाम, हर मजहब के लोग,
ہر مکتب فکر کے لوگ, ہر ضلع محلہ وارڈ پنچایت کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ہم یہی آپ کو صرف پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو ہم نارے باپ دادا نے یہ فرنگی حکومت سے لڑا تھا, اب یہ دو رنگا بلا ہے, اس سے ہم انشاءاللہ تعالی لڑیں گے. کیونکہ ہمیں مذہب سے بھی پیار ہے, ہندوستان سے بھی پیار ہے. نہ اسلام چھوڑیں گے, نہ ہندوستان چھوڑیں گے, نہ سمویدھان چھوڑیں گے. بہت بہت شکریہ.